तो हरियाणा में गठबंधन सरकार बनी, महाराष्ट्र में गठबंधन से बीजेपी को मात मिली, झारखंड में अब चुनाव का जो पहला चरण था उसके लिए वोटिंग हुई है। लेकिन यहां आपको बता दें कि 2014 से बीजेपी पूर्ण रूप से शासन करती आ रही थी हरियाणा में, वहीं किस तरीके से ग्राफ बदला है ये आपको बताते हैं। तो राजनीतिक नक्शे पर सिमट रही है बीजेपी, मार्च 2018 में क्या कुछ स्थिति थी ये हमने आपको बताई। 37.4% हिस्से पर बीजेपी का शासन, नवंबर 2019 के हालात हैं। मार्च 2018 में 75.9% हिस्से पर बीजेपी शासन कर रही थी, वहीं 2019 के नवंबर महीने में अगर इस आकलन को देखा जाए तो 37.4 हिस्से पर बीजेपी का शासन बाकी है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस साल में बीजेपी का ग्राफ कितना बड़ा है। तो साल दर साल 2014 में 7 राज्यों में शासन, 2015 में 13 राज्यों में शासन, 2016 में 15 राज्यों में शासन। तो साल दर साल किस तरीके से बीजेपी का ग्राफ जो है बड़ा है। लेकिन अब हरियाणा और महाराष्ट्र से जो सियासत निकली है, क्या इसका असर झारखंड की तरफ भी पहुंचेगा और क्या बीजेपी का ग्राफ डाउन जाएगा, ये बड़ा सवाल है।